हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को गणित के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे, जो कि आपके बेसिक प्रश्न रहेंगे, जिनको सीखना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कुल मिला जुला कर काफ़ी ज़्यादा प्रश्न है। आज संडे है, तो हर संडे को मैं ज़रूर सोचता हूँ कि आपको ढेर सारे प्रश्न कराए जाएँ, यानी मिसलिनियस प्रश्न, मिक्स्ड प्रश्न, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो और आपको चीज़ें समझ में आए, क्या चीज़ें हमें याद हैं, क्या चीज़ें भूल चुकी हैं। बातें समझ में आई? यानी इसमें एक टाइप का प्रश्न नहीं रहता है, इसमें कई चैप्टरों का सम्मिलित प्रश्न रहता है, यानी कई चैप्टरों से उठाकर पूछे गए ये सारे प्रश्न हैं। बातें समझ में आ गई हैं? तीन प्रश्नों को जरूर किया करिए। कभी कभी मैं जब खाली नहीं रहता हूँ तभी संडे क्लास नहीं हो पाती है, वरना संडे क्लास सबसे स्पेशल हो जाती है। चलिए आज के इस प्रश्न को हम लोग सीखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है 8 गुणे, ये देखिए प्लस माइनस यानी जोड़ घटाव गुणा भाग का चिन्ह का प्रयोग अगर आपको आता रहेगा तभी आप ऐसे प्रश्नों को कर पाओगे। इस पर मैं वीडियो बनाया हूँ, चिन्ह कैसे लगाया जाता है आप उसे देख लेना। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है, 8 गुणे -4 गुणे क्या है, -5 है। इस सवाल का आंसर कैसे सॉल्व होगा? जैसे देखिए, अगर हमें 8 गुणे -4 गुणे -5 दिया है तो हम क्या इसको इस तरह से सॉल्व करें, 8 है तो 8 लिखना, अब यहाँ पर गुणे का चिन्ह बनाना, -4 गुणे -5 करो, -4 गुणे जब -5 करोगे तो -गुणे- क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -गुणे- क्या होता है, प्लस होता है। अब यहाँ पर 4 का गुणा 5 में कर लेना, 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई कि नहीं? अब 8 गुणे 20 कर लो, कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो जब भी इस टाइप के प्रश्न आया करें इस तरह से किया करो। जैसे देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, -4 गुणे हमने -5 किया तो हमारा कितना आ गया, 4 पंचे 20। यहाँ पर माइनस का चिन्ह नहीं लगा, क्यों, क्योंकि -गुणे- क्या होता है, प्लस होता है। तो ये इसे या तो आप इस तरह से +20 लिखो या तो इसे आप इस तरह से 20 लिखो। अब अगर यही चिन्ह इस तरह से रहता है, जैसे -5 इसमें रहता, फिर प्लस रहता, फिर यहाँ पर क्या रहता, मान लीजिए -4 रहता। देखिए सेम उसी प्रश्न की तरह है, माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें भी है, यहाँ गुणा है, यहाँ पर प्लस है। तो ये अगर नियम जिस बच्चे को याद होगा वही इस प्रश्न को कर पाएगा, अगर इसकी तरह कर देगा तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कैसे सॉल्व होता है, ये -5 है तो -5 लिखो। अब जरा चीज को समझो, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा। इस ब्रैकेट को हटा देना, -5 है तो -5 इसे लिख लो, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होता है। ये 4 है तो इसे 4 लिखना। अब देखिए माइनस और माइनस क्या होता है, जुड़ता है, ये एक माइनस है, ये क्या है, माइनस है। -5 और -4 क्या होगा, माइनस माइनस जुड़ेगा तो 5 4 कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। यहाँ पर चिन्ह किसका लगेगा, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी है उसका चिन्ह लगेगा। और एक चीज ध्यान में रखना है, यदि दोनों चिन्ह माइनस के हों तो यहाँ पर माइनस का ही चिन्ह लगता है। ये आपका जोड़ और घटाव वाले में ये नियम लगता है, गुणा और भाग वाले में नियम इस तरह का रहता है, अगर माइनस का गुणा माइनस के साथ किया जाएगा तो वो प्लस ही रहेगा, उसमें माइनस लगाने की संभावना ही नहीं है। अगर इसी चीज को हम इस तरह से कर देते -4 और गुणे +5 तो यहाँ पर 5 चौके कितना हो जाता, 20 हो जाता। -गुणे+ क्या होता है, माइनस होता है, तो ये क्या होता है, -20 होता है। बातें समझ में आ गई सभी को? तो इस नियम को याद रख लीजिएगा। आज मैं आपको प्रश्नों को करा रहा हूँ, आपको एहसास दिलाना चाह रहा हूँ कि आपको आता है कि नहीं आता है, यही तो संडे क्लास स्पेशल होती है। इसमें मैं प्रश्नों को कराता जाऊंगा, आपको सोचना है कि हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बातें समझ में, क्योंकि ये सारे सब कुछ मैं अच्छे से आपको पढ़ा लिखा चुका हूँ। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, -7 गुणे -57 गुणे -57 है। यहाँ पर देखिए अगर आप -7 का गुणा 0 के साथ करोगे तो 0 हो जाएगा, 0 का गुणा 57 के साथ करोगे 0 हो जाएगा, और 0 का गुणा फिर 57 के साथ करोगे तो 0 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? या अगर आप इस तरह से सॉल्व करो, 57 गुणे 57 कर लो, जितना आए उसका गुणा 0 के साथ करोगे तो भी 0 आएगा, फिर अगर आप -7 के साथ करोगे तो 0 आएगा। यानी अगर बीच में गुणे का चिन्ह हो और उसके साथ 0 का भी गुणा किया जा रहा हो आपस में, तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर हमेशा क्या आता है, 0 होता है। बातें समझ में आई? 0 ना तो प्लस में होता है ना तो माइनस में। बातें समझ में आ गई कि नहीं? तो इन सारी छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखे रहिएगा, बहुत आगे जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न सेम उसी से संबंधित है। यहाँ पर देखिए -5 है तो -5 इस तरह से लिखो, प्लस और माइनस क्या होगा, प्लस और माइनस क्या होगा आपका, माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
अब देखिए दोनों चिन्ह माइनस के हैं, तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 6 5 कितना होगा, 11 होगा। जब दोनों चिन्ह माइनस के हो तो इसका उत्तर माइनस में आएगा। बातें समझ में आ गई? तो जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे डरना नहीं है, फटाफट से सवाल को सॉल्व करना है। आगे देखिए प्रश्न चौथा है, माइनस दो गुड़े, यहाँ पर माइनस दो है, गुड़े का चिन्ह है, तो गुड़े का चिन्ह इस तरह से बना लो। अब ब्रैकेट को सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 और 5 जोड़ोगे तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 8 गुड़े 2 करोगे तो 8 2 कितना हो जाएगा, माइनस 16 हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुड़े प्लस क्या होता है, माइनस होता है। चीजें समझ में आ रही होंगी? तो ये नियम ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट का नियम, कोष्ठक का नियम आपको याद रहना चाहिए, तभी आप ऐसे प्रश्नों को कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हम बढ़ते हैं, नाम लेते ही शैतान हाजिर हो गया, यानी कोष्ठक का प्रश्न आपके सामने आ गया। यहां पर देखिए इन प्रश्नों को सॉल्व कैसे किया जाएगा। इसमें देखिए रेखा कोष्ठक लगा है, छोटा कोष्ठक लगा है, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। यदि सवाल में सबसे छोटा कोष्ठक सॉल्व किया जाता है, यानी रेखा कोष्ठक सबसे छोटा होता है, इसके बाद रेखा कोष्ठक को सॉल्व करने के बाद छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक को सॉल्व करने के बाद मझला कोष्ठक, इसको सॉल्व करने के बाद बड़ा कोष्ठक सॉल्व किया जाता है। चलिए इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। इस सवाल को मैं बहुत बार बता चुका हूं, सेम प्रश्न को। इसे यहां पर देखिए 14 लिखिए, माइनस इस तरह से 12 लिखिए, माइनस इस तरह से मझला ब्रैकेट 9 माइनस लिखिए, छोटा कोष्ठक के अंतर्गत 7 माइनस लिखिए। अब देखिए 6 - 2 के ऊपर क्या है, रेखा कोष्ठक है। इसे -6 मत समझना, जो रेखा कोष्ठक है वह सिर्फ 6 - 2 के ऊपर ऊपर है। तो 6 में से 2 घटा लो, कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 लिख लेना, रेखा कोष्ठक खत्म हो गया। अब आपको करना क्या है, छोटा कोष्ठक लगाना है, मझला कोष्ठक लगाना है, बड़ा कोष्ठक लगाना है। अब आप इसमें क्या सॉल्व करोगे, आप छोटा कोष्ठक सॉल्व करोगे 14 माइनस, बड़ा कोष्ठक के अंतर्गत 12 माइनस, मझला कोष्ठक के अंतर्गत 9 माइनस। 7 में से 4 घटाओ, कितना आएगा आपका, 3 आएगा। छोटा कोष्ठक खत्म, अब आपका मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। अब इसे जरा सॉल्व करो, कितना आएगा, 14 माइनस कितना आएगा, बड़ा कोष्ठक 12 माइनस। 9 में से 3 घटाओगे कितना आएगा, 6 आएगा। अब आपका मझला कोष्ठक खत्म हो गया, बड़ा कोष्ठक लगा लीजिए। इसे आप सॉल्व करोगे 14 माइनस कितना हो जाएगा, 12 में से 6 घटाओगे कितना आएगा आपका, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। अब 14 में से 6 घटा लो, आपका आंसर आ जाएगा, तो 8 6 कितना होता, 6 6 12 और 8 6 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। बातें समझ में गई? तो इस तरह से जब भी सवाल आएगा आप इसी तरह से सॉल्व करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इन्हें आप नोट करते हुए चलेगा और समझते हुए चलेगा। ये देखिए समानुपात के प्रश्न है, 12 अनुपाते 24 समानुपाते, 24 अनुपाते 48 है। बताना है कि क्या यह समानुपात में है कि नहीं। तो इसको देखिए आपको इस तरह से लिखना पड़ता है, 12 अनुपाते 24 है, तो इसे आप 12/24 लिख लीजिए। समानुपात का चिन्ह का मतलब बराबर का चिन्ह होता है, 24 अनुपाते 48 का मतलब होता है 24/, आप इसे 48 लिखिए। अब देखिए 12 1 के 12 हो जाएगा, 12 2 24 हो जाएगा, 24 1 के 24 हो जाएगा, 24 2 48 हो जाएगा। इधर भी कितना है, 1/2 है, और इधर भी कितना है, 1/2 है, यानी दोनों बराबर है। इसका मतलब यह समानुपात में लिखे हुए हैं, यानी यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। इस तरह से आपको लिखना पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं, यह भी समानुपात का ही प्रश्न है, काफी खतरनाक प्रश्न है। इसमें आपको समानुपात के द्वितीय पद का मान ज्ञात करना है, यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पर समानुपात के द्वितीय पद का मान ज्ञात करना है। तो कैसे निकलेगा, जरा चीज को समझना। 8 अनुपाते कितना है, यदि मान नहीं पता है x लिख लो, 8 अनुपात x है तो 8/x लिखो, बराबर का चिन्ह लगाओ। यहाँ पर समानुपात का मतलब बराबर का चिन्ह, 7 अनुपात 14 है तो 7/14 लिखो। अब देखिए आपको करना क्या है, x का मान निकालने के लिए यहाँ पर 7/14 है तो 14 का गुणा 8 के साथ होगा, तो 8 गुणे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। बराबर x का गुणा 7 के साथ होगा तो 7 गुणे x हो जाएगा। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, जो 7/14 था इसे यहीं पे काट के रफा दफा कर सकते थे, या तो यहाँ पर देखिए जो 7 है वह x के साथ गुणे में है, अगर 7 को हम इधर लाएंगे तो क्या होगा, बटे में हो जाएगा। तो 7 से 14 को काट सकते हैं, 7 1 7 7 2 14 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 गुणे 2 करोगे, 8 2 16 हो जाएगा, 16 बराबर कितना x होगा। तो जिसका मान निकालते हैं उसको लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, x बराबर कितना, 16, यानी x का मान कितना निकल कर आ चुका है, 16। ये आपका क्या होगा, उत्तर होगा। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा आप इसी तरह से करिएगा। अब आपको अगर पता करना हो कि x का मान 16 है कि नहीं, तो आप कैसे पता करोगे, जैसे x अनुपाते x 8 अनुपाते x है तो 8 बटे
x की यहाँ पर कितना आया है 16, बराबर कितना है 7 अनुपात 14, तो 7/14 लिखो, इसे काटो, 8 1 8 8 2 16, 7 1 7 7 2 14, इधर भी 1/2 है, इधर भी 1/2 है, यानी दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब यह समानुपात में लिखा हुआ है। अगर यहीं पर x का मान मान लो 5 आ गया होता तो इसका मान अलग आता, इसका मान अलग आता, यानी आपका आंसर क्या आता, गलत हो रहा था। बातें समझ में आई कि नहीं, इसी तरह से चेक किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर देखिए 3/20 को प्रतिशत में बदलो, 3/20 को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है, तो आपको भिन्न में है, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें डायरेक्ट 100 से गुणा करो, 20 × 5 = 100 हो जाएगा, 3 × 5 कितना हो जाएगा 15, इसका आंसर कितना आएगा 15 आएगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कभी कभार कि सर आप बहुत फास्ट पढ़ा देते हो, तो आप उस दिन आते हो पढ़ने जिस दिन रिवीजन का क्लास कराया जाता हो या उस प्रश्न को पहले पढ़ाया जा चुका हो, तो वो क्लास थोड़ा फास्ट इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि उस क्लास में सारे बच्चों को वो चीज़ें समझ में आई रहती हैं, बस ज़्यादा दिन तक रिवीजन ना करने की वजह से बस कैलकुलेशन कैसे किया जाता है उनके दिमाग से उतर गया रहता है, तो ज़रा सा बोल दो तो उनके दिमाग में आ जाता है, तो धीमे धीमे बताने से क्या फ़ायदा, इसीलिए थोड़ा फास्ट बताया जाता है, समझ रहे हो कि नहीं, जिससे किसी भी बच्चे को बोरिंग ना महसूस हो। आई बात समझ में। अब यहाँ पर 2.5 को प्रतिशत में बदलो, अब किसी भी दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए उसको पहले भिन्न में बदलना पड़ता है, 2.5 है, इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसे 2.5 है तो इसे आप 25 लिखिएगा, एक अंक के बाद दशमलव है तो 10 लगाकर 1 लिख दीजिएगा, ये 25/ कितना आ चुका है 10। अब ये भिन्न में है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, 10 से 1 0 1 0 से 1 0 कट जाएगा, अब 25 × 10 करोगे कितना आ जाएगा 250, यानी अगर 25/10 को हम प्रतिशत में बदलेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 250%। बातें समझ में आ गई। जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा आप सेम इसी तरह से करिएगा, ये 15 जो आया है ये 15% में लिखेंगे इस तरह से। अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है, अगला प्रश्न है 2/-15 + -9/10 है, ये परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग सब सीख लीजिएगा। मैंने परिमेय संख्याओं से एक प्रश्न लिया है, जैसे ये जोड़ वाला आपको दिख रहा है तो ये कैसे साल होगा जरा चीज को समझना। यदि परिमेय संख्याओं का हर माइनस में है तो हम अंश को क्या कर देंगे, माइनस में लिख देंगे, 2/-15 लिख देंगे। ये कब किया जाता है, ये कब किया जाता है, 2/-2/15 लिखेंगे, ये कब किया जाता है, जब अंश प्लस में हो और हर माइनस में हो तो हम अंश को माइनस में हर को प्लस में लिखते हैं। काफ़ी बार बताए हैं, जो बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं उनको समझ में आ रहा होगा, ये प्लस का चिन्ह प्लस लगाना, -9/10 है, अंश अगर माइनस में रहता है तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है। चीज़ें समझ में आ गई कि नहीं। अब यहाँ पर इसको भी ब्रैकेट में करना, ये देखिए 15 है ये 10 है, तो 15 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 30 होगा, आप निकाल लो, एलसीएम निकालना जानते ही होंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बटे का चिन्ह लगाकर 30 लिखेंगे, 15 दुना कितना होता है 30 होता है, तो दो बार में है तो 3 × 2 कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, 10 × 3 = 30 होता है तो 9 × 3 कितना हो जाएगा आपका -27 हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बड़ा सा चिन्ह लगा लो। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो माइनस और माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो 7 × 6 कितना हो जाएगा 13 × 3 हासिल आपका 1 आ जाएगा, 2 × 1 कितना हो जाएगा 3, ये -33/ कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। इसे 3 से काटना चाहो तो काट सकते हो, 3 × 3 3 × 3 3 × 3 3 × 3 3 0 0, यानी आपका कितना आ जाएगा -11/ कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, कितना 10। तो यार इसको मैं बता रहा था वहाँ से कैमरे का बैटरी ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन यही किया गया है, आप समझ सकते हैं इतना, अभी दूसरा बैटरी उसमें लगा है। अगला प्रश्न है आपका, देखिए 2025 का आपको क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है, इस तरह से प्रश्न दे देगा। अब आप कैसे ज्ञात करोगे वर्गमूल, यहाँ पर देखिए 2025 है तो फटाफट से इस तरह से लिखो, 2025 लिखोगे, अब आप फटाफट से गुणनखंड निकालो, 5 से कटेगा, 5 × 20 हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए 5 × 5 = 25 हो जाएगा, फिर 5 से काटो, 5 × 8 = 40 हो जाएगा, 5 × 1 = 5 हो जाएगा, अब यह 3 से कटेगा, 3 से जब काटोगे तो कितना हो जाएगा, अब 3 से जब काटोगे तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, और 3 × 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 3 × 9 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, फिर 3 से काटोगे 3 × 53 होगा, फिर 3 से काटोगे 3 × 1 = 3 होगा, तो कितना आ चुका है जरा चीज़ को समझो। अब यहाँ पर जब आप इसे लिखोगे, इसे इस तरह से लिखोगे, 3 कितनी बार है 3 बार है तो 3 × 3 × 3 आ जाएगा, 5 कितनी बार है 2 बार है × 5 × 5 हो जाएगा। अब इसका जब हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 1 2 3 4 यहाँ पर 4 बार 3 है यार,
तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इंटू थ्री लिखेंगे, पाँच दो बार है इंटू फाइव लिखेंगे। इस चीज़ को रफ कर देते हैं। अब इसे जब आप सॉल्व करोगे तो रूट के अंतर्गत दो सेम संख्याओं का एक पेयर बनता है, तो यहाँ से तीन बाहर आएगा, यहाँ से तीन बाहर आएगा, यहाँ से पाँच बाहर आएगा। इनका गुणा करो, तीन त्रिकन नौ, नौ पचे कितना हो जाएगा 45, यानी ये 45 इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो रूट 2025 का वर्गमूल क्या होगा, 45 होगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप इसी तरह से करिएगा, देख लीजिए, आपको दिखना चाहिए, सबसे ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर देखिए रूट चार बटे नौ का वर्गमूल ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्न को देखकर कुछ बच्चे डर जाते हैं कि कैसे सॉल्व होगा, प्रश्न तो देखने में उसकी अंकें छोटे लग रही हैं, तो छोटे तरीके से सॉल्व होगा, मैंने बताया है, ऐसी बात नहीं है कैसे प्रश्न नहीं बताएं। अब रूट चार है, इसको इस तरह से लिख सकते हो कि नहीं, इसको देखिए दो तरीके से लिख सकते हो, इस तरह से रूट चार, प्रश्न को ही इस तरह से लिख सकते हो रूट नौ। अब रूट चार को आप क्या लिख सकते हो, इस तरह से टू इंटू टू लिख सकते हो, दो दूना चार हो जाएगा, बटे लगाकर चिन्ह। रूट नौ को आप क्या लिख सकते हो, इस तरह से थ्री इंटू थ्री लिख सकते हो। अब यहाँ इसका एक पेयर बनेगा, इसका पेयर बनेगा, ये दो रूट से बाहर आएगा दो हो जाएगा, ये तीन रूट से बाहर आएगा तीन आ जाएगा, दो बटे तीन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या इसी प्रश्न को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते थे, जैसे यहाँ पर रूट चार का मान कितना, टू इंटू टू दिया था, बटे यहाँ पर नौ का मान थ्री इंटू थ्री दिया था। यहाँ पर देखिए इसका एक पेयर बनेगा, नीचे वाले का भी एक पेयर बनेगा, तो ये दो बाहर आएगा, यहाँ से तीन। इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे, बातें समझ में आ गई। यानी प्रश्न को आपको इस तरह से भी दे सकता है और प्रश्न आपको इस तरह से भी दे सकता है, तो दोनों चीज़ सीखे रहिए जिससे आप सवाल को लगाओ। अगला प्रश्न है एक्स प्लस फाइव वाई का होल क्यूब का प्रसार कीजिए। ये तो होल क्यूब वाला था, इसी तरह से स्क्वायर वाला भी पूछ सकता है। तो एक प्रश्न करा दे रहे हैं तो आप अपने किताबों से खोल के देख लीजिएगा, अब कितने सारे प्रश्न कराएंगे। अगर मैं मैथ के सारे प्रश्न कराने लग जाऊं तो दिन से रात हो जाएगी और रात से दिन हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस क्या होता है, थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, यही होता है कि नहीं। अब जहाँ पर फार्मूले में ए है, ए की जहाँ पर हमें क्या लिखना है, ए की जहाँ पर हमें यक्स लिखना है, बी की जहाँ पर हमें क्या लिखना है, फाइव वाई लिखना है, क्या फाइव वाई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए की जहाँ पर यक्स का क्यूब हो जाएगा, बी की जहाँ पर फाइव वाई का क्यूब हो जाएगा, इसके बाद थ्री इंटू कितना हो जाएगा, ए की जहाँ पर यक्स हो जाएगा, बी की जहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइव वाई हो जाएगा। और ए प्लस बी है, ए की जहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यक्स लिखेंगे, यक्स लिखेंगे, और बी की जहाँ पर हम फाइव वाई लिखेंगे। चीज़ें समझ में आई, अब इन्हें फटाफट से सॉल्व करेंगे। x का क्यूब प्लस पाँच का क्यूब का मतलब पाँच पचे पच्चीस, पच्चीस पंचे 125 हो जाएगा। अब y का क्यूब रहेगा, y का क्यूब का मतलब y का क्यूब प्लस यहाँ पर गुणा कर लेंगे, तीन का गुणा पाँच के साथ करोगे तीन पचे पंद्रह हो जाएगा, x इंटू वाई करोगे तो x वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में क्या है आपका, ब्रैकेट में आपका x प्लस फाइव वाई है, तो x प्लस फाइव वाई इसे आप इस तरह से लिखिए। अब हम क्या करेंगे, x का क्यूब है तो x का क्यूब लिखेंगे प्लस 125 y का क्यूब लिखेंगे प्लस 15xy का गुणा एक बार x के साथ करेंगे, 15xy का गुणा एक बार 5y के साथ करेंगे, तो 15 का गुणा x के साथ करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 15 रहेगा, x गुणे x हो जाएगा, x का पावर 2 हो जाएगा, y है तो y लिख लेना। 15 का गुणा 5 के साथ करोगे 15 पचे कितना होता है, 75 होता है, यहाँ पर x है तो x लिखना, y का गुणा y के साथ होगा तो y का पावर 2 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई कि नहीं। अब ये x का पावर 3 प्लस 125 y का पावर 3, इसको आप अरेंज करके भी लिख सकते हो या इसी तरह से आप छोड़ भी सकते हो। अगर मान लो इसे आप अरेंज करके लिखना चाहो तो x का पावर 3 हो जाएगा प्लस 15 प्लस 15x का पावर 2y हो जाएगा प्लस आपका 75xy का पावर 2 हो जाएगा, लास्ट में हम प्लस 125 प्लस 125y का पावर 3 लिख लेंगे। बातें समझ भाई। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से अरेंज किया जाता है, इसी तरह से अरेंज करना पड़ता है। जैसे x का पावर 3 था, x का पावर 3 को लिखा गया, फिर यहाँ पर देखिए x की इसको लिखेंगे 15x का पावर 2y को, फिर प्लस 75xy का पावर 2, लास्ट में 125y का पावर 3 लिखेंगे। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों में आपको खुद समझना है कि क्या अंतर है। मैंने कई बार ऐसे प्रश्न को बताएं, आप किसी से भी पूछ लोगे तो इन प्रश्नों को वह एक ही उत्तर निकाल देगा, समझ रहे हो कि नहीं। जबकि दोनों प्रश्न सेम आपको दिख रहे हैं, ये 2 का पावर 3 फिर पावर 2 है, 2 का पावर 3 पर पावर 2 है, पर इसमें अंतर क्या है। मैंने काफ़ी लोगों से पूछा है, लोग गलत बता देते हैं,
लोग अधिकतर 100% उम्मीद रहती है, लेकिन आपको बताया गया था आपको आना चाहिए। यहाँ पर देखिए ऐसे प्रश्नों में जमीन आसमान का अंतर है, 2 का पावर 3, फिर देखिए ब्रैकेट लगाए, फिर इसका पावर 2 है, तो 2 का पावर 3, फिर पूरे का पावर 2 है। तो जब ऐसा चिन्ह रहता है, ब्रैकेट लगा रहता है, तो पावर का पावर में गुणा होता है। तो 2 × कितना हो जाएगा, 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 × 2 = 6 हो जाएगा। 2 का पावर 6 का मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका गुणा करो, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32, 32 × 2 = कितना जाएगा, 64 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आया है, 64। अब इस प्रश्न को समझो, 2 का पावर 3, फिर 3 का पावर 2 है, ना कि पूरे का पावर 2 है। इसी में बच्चे गलती करते हैं, ऐसे प्रश्न नीचे से ना सॉल्व होकर ऊपर से सॉल्व होते हैं। बातें समझ में आई? तो ये 2 है तो 2 लिखो, 3 का पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 का पावर 2 का मतलब 3 × 3 हो जाएगा, 2 बार लिखेंगे, 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9, तो 2 का पावर कितना आ चुका है, 9। समझ रहे हो कि नहीं, 2 का पावर 9, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। अब जिसको इस तरह से करना हो, इस तरह से 2 × 2 × 2 × 2 × 9, इसी तरह से 9 बार 2 लिखिएगा और उनका आपस में गुणा कर लीजिएगा, जितना आएगा वो भी आपका आंसर माना जाएगा। लेकिन जब पावर ज़्यादा बड़ा रहता है, इतना करके छोड़ दिया जाता है। बातें समझ में आई कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न है, 2/4, 5/4 में बड़ी भिन्न कौन सी है, क्या है बड़ी भिन्न? तो देखिए, जब हर बराबर रहता है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी, जिस भिन्न का हर छोटा वह भिन्न छोटी। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि इसको भी बहुत कठिनाई से सॉल्व करना पड़ेगा। ना बाबा, हर प्रश्न कठिन नहीं होता। 5/4 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। 2/5 और 3/6 में छोटा भिन्न कौन है, हर आपका बराबर नहीं है। तो जब संख्याएं छोटी होती हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग करिए, 6 × 2 कितना हो जाएगा, 12, 6 × 2 में किया, 5 × 3 में करोगे, 5 × 3 = 15। अब बताओ 12 बड़ा है कि 15, तो यहाँ पर कहोगे 12 छोटा है, तो यहाँ पर छोटी भिन्न पूछा था तो 2/5 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इस तरह से फटाक से आंसर लगा लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न कुछ नहीं है, यह आपके लिए है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बातें समझ में आई कि नहीं? चलिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जरा चीज़ को समझना। यहाँ पर देखिए लिखा है एलजेब्रा का फार्मूला, a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, फटाफट से कापी पे नोट करिए, फटाफट से। a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है a²+b² + 2ab, बीच में लिखा है। या इसी फार्मूले को आप इस तरह से लिख सकते हो, a² + b² + 2ab। बातें समझ में आई कि नहीं? तो ये चाहे b² इधर लिख लो, + 2ab लास्ट में कर लो। समझ में आई? बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। काफी बार मैंने इस तरह से बता दिया है तो बच्चे कहते हैं कि गलत है, उनको किताब में इस तरह से दिखता है और हमने इस तरह से लिखा दिया रहता है। तो थोड़ा समझा करो यार, मैंने बताया भी, जबकि बताता हूँ कि इस तरह से लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² - 2ab। जो मैं लिखाता हूँ ना, उसको याद करना थोड़ा इजी रहता है। अभी बीच में माइनस घुसा देता है तो समझ में नहीं आता है ना। इसको इस तरह से लिख लो, a² + b² - 2ab। बातें समझ में आई कि नहीं? ये याद करना काफ़ी ईजी बन जाता है। जब एक बार आप याद कर लोगे ना, तो आराम से इसको इधर उधर कर सकते हो। अब यहाँ पर अगला फार्मूला है a² - b², यहाँ पर देखिए a² - b² बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a+b, दूसरे में a-b, इसे याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला फार्मूला है a+b³, तो a+b³ अभी मैंने प्रश्न को सॉल्व कराया था, a³ + b³ + 3a², ये तो गलत उल्टा सुलटा लिख दिया है, ये भी सही है, इसका मतलब ये मत समझना कि ये गलत है, ये भी सही है। लेकिन आपको याद क्या करना है, a+b³ = a³ + b³ + 3ab, ब्रैकेट में a+b, इसे याद करना, ये याद करने काफ़ी ईजी है। अब जरा चीज़ को समझो, यहाँ पर a³ + b³ लिखा है, a³ लिखा है लास्ट में, +b³ लिखा है। अब ये 3a² कहाँ से आता है जानते हो? अगर 3ab और ब्रैकेट में +b है, तो यानी 3ab का गुणा एक बार a के साथ होगा, 3ab का गुणा एक बार b के साथ होगा, तो जब a का गुणा a के साथ हो जाएगा तो 3a² हो जाएगा, और जब 3ab का गुणा b के साथ होगा, b का गुणा b के साथ हो जाएगा, तो 3ab² हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ गई कि नहीं? तो ये गलत नहीं लिखा है, ये भी सही है, लेकिन आप याद ये वाला करना जो मैं लिखाता हूँ।
हम जो लिखाते हैं वो इजी रहता है, चीज़ें समझ में आए कि नहीं। अगला फार्मूला आप फटाफट से याद करो, अगला फार्मूला ए माइनस बी का होल क्यूब। तो ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, आप इसी में लिखो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। अब यहाँ पर देखिए माइनस इसके इसको भी लिखा देते हैं, जैसे देखिए ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस थ्री ए बी माइनस थ्री ए बी, ये माइनस का चिन्ह रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, यानी सभी में माइनस रहेगा। ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए माइनस बी, इस चीज़ को याद रखना। अगला फार्मूला है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लास्ट में माइनस ए बी लिख लेना। अब अगला फार्मूला है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो ए माइनस बी और अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिख लेना। अगला फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इस फार्मूले को याद करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, ये याद करना काफ़ी इजी है। जब भी ऐसा पूछेगा तो सबका स्क्वायर कर देना, पहले ए बी सी का स्क्वायर कर देना, फिर लिखना प्लस टू ए बी लिखना, फिर बी के बाद बी सी लिखना टू बी सी। अब देखिए आप टू ए बी लिख लिए, बी के बाद बी सी लिख लिए, अब आप सी लिखोगे तो सी के साथ ए लगा देना। बातें समझ में आए कि नहीं। तो चलिए अब बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। ट्रिग्नोमेट्री भी याद करना काफ़ी इजी है, जो बच्चे क्लास सेवेंथ और एट्थ नाइन्थ में हैं वो भी याद कर लेंगे तो कुछ दिक्कत नहीं होगी। बातें समझ में आ गई कि नहीं, सभी को याद करना है। यहाँ पर साइन जीरो का मान कितना होता है, साइन जीरो का मान जीरो होता है, कॉस जीरो का मान एक होता है, टेन जीरो का मान जीरो होता है, कॉसेक का नॉट डिफाइंड। तो इसको याद कर लो आप, क्योंकि इसको मैं एक दिन अलग से वीडियो बनाऊंगा, ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, इसे आप अभी स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से याद करने का प्रयास करना। सेक जीरो का मान एक होगा, ट्रिक से बताया हुए भी हैं, वीडियो दे देते हैं उसको आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। अगला प्रश्न है, देखिए आज यहाँ पर देखिए घातांकों के वाले सवाल है। घातांक का नियम सभी बच्चों को याद रहना चाहिए, जिसको घातांक का मंत्र याद होगा वो फटाफट से इस सवाल को अभी लगा दिया होगा, देखते ही बता दिया होगा कि, और जिसको नहीं याद हुआ होगा वह बहुत लंबी प्रक्रिया करने वाला है। कौन सी प्रक्रिया, तीन का पावर पाँच का मतलब थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, तीन का पावर टू का मतलब थ्री इंटू थ्री, तीन का पावर एक का मतलब थ्री, आपस में गुणा करेगा उसका उत्तर आएगा। लेकिन जिसको पता है कि आधार क्या है, समान है तो तीन लिख लो, गुणा कर जब आधार समान रहता है तो गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं, तो पाँच दो सात एक कितना हो जाएगा आठ, ये आपका क्या होगा उत्तर होगा। अब यहाँ पर दूसरा सवाल है, आठ का पावर पाँच भागे चार का पावर आठ, आधार आपका समान नहीं है तो इसको फटाफट से समान करते हैं, वरना क्या होगा सवाल को सॉल्व करने में समस्या आएगा। बातें समझ, यहाँ पर आठ लिखो। अब देखिए आधार आपका क्या है, समान है तो भाग करने पे घातें क्या होती हैं, घटती हैं। जैसे आठ है तो आठ लिख लो, पाँच में से दो घटा लो कितना आ जाएगा, तीन आ जाएगा, आठ का पावर थ्री इसका क्या होगा उत्तर होगा। तो जब भी इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे आप इसी तरह से क्या करना, सॉल्व करना, चीज़ों को समझते हुए चलेगा। अगला प्रश्न आपका समाप्त होता है, इस तरह से आपके प्रश्नों की संख्या समाप्त हुई। तो कुछ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े वाले प्रश्न आपको कराए गए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे आप लोगों के लिए। इसमें देखिए घातांक के नियम आप याद रखे रहिएगा, और जो पावर वाला सवाल मैं कराया था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसके बाद जो आपका प्लस और माइनस वाला चिन्ह लगाना होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको किसी भी प्रश्न में मिल सकता है। छोटी सी लापरवाही कर दोगे, माइनस लगा दोगे, उत्तर अगर प्लस में आ रहा होगा तो आपका गलत हो जाएगा, कितना भी आप अच्छे से कैलकुलेशन क्यों ना कियो। तो आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, टाइम टेबल बनाकर पढ़ा करिएगा, जिससे आप डेली समझ सको कि मैं दिन में कितने घंटे पढ़ रहा हूँ और कितने घंटे मजे ले रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।